Good morning, children. Respected teachers and my dear beloved children. Today, your science teacher is going to show you an experiment which is already read by you people, but those who are watching TV, YouTube and etc. different channels, now it creates a confusion in the mind of the children. Therefore, it is a moral duty of the teacher to make it clear. And for the sake of that, our science teacher Ajay Kumar ji has brought here an experiment to show you regarding the confusion already brought in the mind of the students. Dear children, you might have seen different things, different awareness through the help of the different media and the channel. Really, all those things are not great and not right here. So we people are really getting a lot of confusion in different things. Through the help of the YouTube and other channels, now the fake doctors, they are also giving diagnosis and they are giving us some medicine also. Really, almost those things are not accurate here. So don't follow those things without any care and with the blind eyes at all. So for the sake, now today you will enjoy here that reaction of different things. Reaction of iodine, reactions of HCl and etc. So now an experiment, please. My dear students, actually right now I am going to show you that some test, like you are studying in your classes, carbohydrate test, protein test and fat test. तो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसे पता चला है, खाने पीने वाले टेस्ट से नहीं पता चलाना है हमको, एक्सपेरिमेंटली देखना है. तो नाउ आई विल शो यू द कार्बोहाइड्रेट टेस्ट. एक्चुअली आप देख ले रहे हैं यूट्यूब से या कहीं से देख ले रहे हैं, तो कह रहे हैं कि उसमें कॉमन साल्ट डाल लेंगे तो कॉमन साल्ट में आयोडीन टेस्ट होता है. कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कौन सा टेस्ट होता है? हेलो बड़े बच्चे, बताएंगे आप हमें कार्बोहाइड्रेट को किसी चीज में कार्बोहाइड्रेट है ये पता लगाने के लिए विच टेस्ट इज रिक्वायर्ड, कौन सा टेस्ट हम लोग करते हैं, जल्दी बताएंगे. क्लास 9, 10, 8, जस्ट ओपन योर माउथ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. बच्चे मेरे बता रहे हैं 6, 7, आप भी बताइए. तो कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट कैसे करते हैं हम लोग, किस टेस्ट से? तो आयोडीन टेस्ट का ये है कि सबसे पहले हम स्टार्च लेते हैं. तो स्टार्च आपके घर में राइस हो गया, पोटैटो हो गया, ब्रेड्स हो गया, इस सब में क्या होता है मेरा, कार्बोहाइड्रेट्स होता है. और इसके सॉल्यूशन में जब हम आयोडीन डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, जल्दी बताएंगे आप हमें, कैसा कलर होगा, ब्लू या ब्लैक. तो इट मींस हम अगर कॉमन साल्ट में आयोडाइड साल्ट, आज के डेट में मार्केट में मिलता है कॉमन साल्ट, आयोडीन उसमें मिला रहता है, तो हम उस कॉमन साल्ट को भी डाल देंगे. यूट्यूब पर यही इंफॉर्मेशन आता है कि कॉमन साल्ट में आयोडाइज आयोडीन मिला हुआ है, अगर हम उसको भी डाल दें तो वो भी ब्लू ब्लैक में चेंज करेगा. बट इट इज कंप्लीटली रॉन्ग, आई विल शो यू राइट नाउ. तो सॉल्ट नहीं लेंगे, अगर सॉल्ट लेते हैं तो उसका कॉम्बिनेशन चेंज होता है, यू नो वेरी वेल, उसका प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगा. सिर्फ आयोडीन, तो आयोडीन सॉल्यूशन लिखना है एंड नाउ यू हैव टू एक्सप्रेस द आयोडीन सॉल्यूशन, नोट आयोडीन सॉल्ट. इफ यू से आयोडीन सॉल्ट, कंप्लीटली विल बी रॉन्ग. नाउ आई विल शो यू कि कैसे कार्बोहाइड्रेट को आयोडीन सॉल्ट नहीं बल्कि हम आयोडीन मिलाएंगे. नाउ यू विल शो इट. कॉमन साल्ट है आयोडाइड सॉल्ट, इसमें आयोडीन मिला हुआ है, तो आयोडीन सॉल्ट है. टेस्ट इसका क्या है कि कार्बोहाइड्रेट में जब आयोडीन, कार्बोहाइड्रेट में या स्टार्च सॉल्यूशन में जब हम आयोडीन मिलाएंगे तो ब्लू या ब्लैक हो जाएगा. तो हम सबसे पहले इसका सॉल्ट, दोनों का सॉल्यूशन बना लें. नाउ आई एम टेकिंग ए सॉल्ट, आयोडाइड सॉल्ट.
देखिए सॉल्ट लिया मैंने, आयोडाइड सॉल्ट है, जस्ट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर जस्ट आई हैव मिक्स इनटू द वाटर, दिस इज द कॉनिकल फ्लास्क, नाउ इट हैज डिजॉल्व इनसाइड इट, डिजॉल्व हो गया ना इसमें, अब इसमें हम स्टार्च डालें तो ब्लू या ब्लैक होना चाहिए, बिकॉज इसमें आयोडीन मिला हुआ है. नाउ दिस इज द स्टार्च, आलू चावल रोटी अभी हम नहीं लेंगे, जस्ट आई हैव ए केमिकल्स इन माई लैब, सो आई एम सर्विंग दिस इज द स्टार्च. नाउ आई विल मिक्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द स्टार्च इन द सोल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट, आयोडाइड साल्ट, नाउ इट्स कलर विल बी चेंज इन टू द ब्लू और ब्लैक, होना चाहिए ना. Now this is the starch, my dear students. देखिए कलर ब्लू ब्लैक होना चाहिए था. Now what is the color? Same. No changing. तो एक कॉमन साल्ट में आयोडीन तो मिला हुआ था, तो इसको ब्लू ब्लैक होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या? दिस इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट. ये बार बार आप, तब तो फिर हम लोग सब्जी बना रहे हैं आलू का, उसमें नमक डाल रहे हैं तो पूरा सब्जी काला होना चाहिए था, ब्लू होना चाहिए था, होता तो नहीं, चूंकि स्टार्च आलू में तो है. तो ये यूट्यूब का कॉन्सेप्ट आप हटा दीजिए. यहाँ पर हम देखिए आयोडीन, आई हैव आयोडीन, दिस इज आयोडीन सोल्यूशन, नोट ए सॉल्ट, आयोडाइड सॉल्ट. और जब इसमें हम इसके स्टार्च में सोल्यूशन में इसको डालेंगे तो इसका कलर देखिए ये रेड टाइप का है, सब दिखा दीजिए, रेड टाइप का ही ठीक है, ऑरेंज टाइप का, ब्लू ब्लैक नहीं है. एंड नाउ जस्ट आई विल मिक्स द स्टार्च सॉल्यूशन, देन इट्स कलर विल बी चेंज इनटू ब्लू एंड ब्लैक. नाउ आई हैव वॉश द कॉनिकल फ्लास्क, नोट एनीथिंग, कुछ भी इसके अंदर नहीं है. नाउ आई एम टेकिंग द स्टार्च, दिस इज द स्टार्च आई हैव टेकन इन कॉनिकल फ्लास्क, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर आई हैव डिजोल्व इन टू द स्टार्च हैज बीन डिजोल्व इन टू द वाटर. नाउ दिस इज कलर इज वाइट, हैव यू सीन? नाउ आई एम मिक्सिंग अ स्मॉल वन और टू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन. Iodine solution, one drop I will mix it. Only one drop I have mixed to iodine solution. The color has been blue. Now if I mix one more drop, then it will become the deep blue and it will look like black. अब कैसा हो गया? ब्लैक नहीं है, डीप ब्लू हो गया. तो नो योर कंफ्यूजन हैज बीन रिमूव्ड, आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, कॉमन साल्ट का यूज नहीं करेंगे, कॉमन साल्ट सॉल्ट है, प्रॉपर्टी चेंज होता है मेरे प्यारे बच्चों. थैंक यू.